गाइस वेलकम टू लाइव एडजस्टमेंट ब्लॉग्स। आप सोच रहे होंगे मैं अभी कहाँ पे बैठती हूँ, मुझे नई जॉब मिल गई है, मेरी फील्ड जॉब है। आई एम एन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर। टुडे इज नवंबर 15th और आज मेरी हेयर अपॉइंटमेंट है। रियली वांटेड अ चेंज इन माय लाइफ। हमारे डाउनटाउन में है एक इंटरलूड स्पा करके जगह है, क्वींस मार्क है, मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं जाऊंगी आज शाम को। और या इट्स जस्ट गोना बी सो मच फन। फर्स्ट टाइम मैं जिंदगी में प्रोफेशनल कलरिंग करवा रही हूँ अपने हेयर को, देखते हैं कैसे लगते हैं। अभी मेरी ब्रेक हुई है और मैं बाहर आई हूँ, मेरा लंच वगैरह हो गया है, मुझे शाम को व्लॉगिंग करनी है। आई नीड टू चार्ज माई फोन। लेते हैं अपनी कार और चलते हैं अंदर बैक टू वर्क। मैं ट्राई करूंगी आपको सारा कुछ दिखाऊं आज क्या क्या होता है, कैसे कैसे वो कलर करेगी मेरे बालों को, ठीक है। फाइनली शाम हो गई है और टाइम हो गया है मेरे हेयर कलर का। मैं बेका के पास आई अपनी वर्क कोलीग के साथ और यहाँ पे मैं अपने बाल खुल के उसे दिखा रही हूँ एंड शी इज जस्ट गोना एग्जामिन एवरीथिंग एंड स्टार्ट डूइंग द हेयर कलर। यहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा नर्वस फील कर रही हूँ, भी देखते हैं क्या होता है। और यहाँ मैंने अपने फ्रेंड को लगा दिया है इंस्टाग्राम की रील्स शूट करने के लिए। जिन लोगों को रील्स देखनी है ना, मेरा इंस्टा हैंडल है लाइफ एडजस्टमेंट 98। तो अभी पॉज करो वीडियो और जाकर फॉलो कर दो जल्दी से। चलो जी, अभी प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, हेयर वॉश होने लगे हैं। और उससे पहले मैं अपनी कोलीग से कह रही हूँ कि सिनेमेटिक शॉट्स लेने हैं ट्रांजिशन के लिए, ताकि मैं इंस्टाग्राम पे रील्स डाल सकूं। यहाँ पे मैं उसे बता रही हूँ कि ऐसे वाले एंगल से शॉट ले लेने हैं, ठीक है। और वहाँ बेका कहती इनका तो चलता ही रहेगा, मैं तो अपना काम स्टार्ट करूँ। नॉर्मली वो 4-5 बजे तक काम करके फ्री हो जाती है, लेकिन उस दिन उसे मेरे लिए लेट नाइट तक रुकना पड़ा था। चलो जी, अभी हेयर वॉश के बाद अभी तैयारी हो रही है हेयर कलर स्टार्ट करने की। हेयर को अभी लाइटन करना पड़ेगा ताकि उसके ऊपर लाइट वाला कलर चढ़ जाए, क्योंकि ब्लैक कलर के ऊपर रेगुलर लाइट कलर चढ़ना काफ़ी मुश्किल है। मैंने उससे पहले पूछा कि ये परमानेंट कलर तो है लेकिन कितनी देर तक टिकेगा। उसने बताया कि ये फेड तो हो जाएगा लेकिन टाइम के साथ, 4-5 महीने तक तो टिकेगा, उसके बाद आपको टचअप्स वगैरह करवाने पड़ेंगे। थोड़ी डिस्कशन के बाद उसने मुझे कहा कि एवरी 6 मंथ्स टोनर करवाने आ जाना, या अगर मुझे एक लाइटर कलर चाहिए होगा वो ईजियर रहेगा करवाना। ऑल राइट, यहाँ पे हेयर लाइटनिंग का प्रोसेस ख़त्म हो चुका है और हेयर कलर फाइनली स्टार्ट हो गया है। और ये सारा हेयर कलर करने के बाद अराउंड 20 मिनट की वेट की। ने दिखाया मुझे भी थोड़ा थोड़ा कलर चढ़ने लग गया है बालों को, ठीक है। हेलो नमस्ते, सीने की नहीं किन्ने की सो मुझे अभी आधा घंटा हो गया है यहाँ पे आए को एंड लाइटन किए हैं बाल बेक्का ने। सो आई डोंट नो कैसे लग रहे हैं, देखते हैं थोड़े टाइम में। अभी वो 10-15 मिनट में आके वॉश करेगी। Thank you.
वैसलीन में लाई कुछ, मेरे इत रंग लग गया है, पता नहीं इधर हुआ कि नहीं। It's like orangey. Okay. Yeah, but it's really blended into your root, so it's not going to be like, there's no harsh lines. It's all very soft. Okay. Yeah. Like this, but nicer. Because when it's all clumped together, you can't really tell. Reveal time.